किसकी ऐसी उसकी जैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो, कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा, मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी अभी रहने दे यार, अभी नहीं। प्लीज यार बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी, वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही, अभी एक सेकंड इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो, आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू, किसी को बोलना मत, ठीक है? एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, एक तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया, मेरी दुख गई पूरी। सियाही मोटी रखी इतनी, मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी, किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा, और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने अभी अभी एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव, हाँ आई लव यू टू, बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमोन, गो बाय। वैभव था, एक सेकंड पापा रहे इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है, रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो। हाँ शरीफ होना बड़ा गई। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है, है ना, और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा के, पापा के। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। दिल्ली का डॉन, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट।